Good afternoon. वेलकम दोस्तों, आ जाइए फटाफट। आज के रूटीन के हिसाब से हम लोग, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि आज कौन सा दिन है भाई, आज है ट्यूसडे, तो आज के रूटीन के अकॉर्डिंग आज हमारे पास है कॉमन एरर्स और एंटोनिम्स का दिन। तो हम लोगों ने पिछले दिन जितना कॉमन एरर और एंटोनिम्स किया था उससे आगे बढ़ाएंगे। सैटरडे और मंडे दो दिन क्लास डिस्टर्ब रहा क्योंकि फीवर था और टॉन्सिल बढ़ा हुआ था, आज भी है, लेकिन आज इतना कंट्रोल में है कि हम आराम से पढ़ा सके, तो हम लोग आज पढ़ाई करेंगे। और सैटरडे का क्लास रिकॉर्ड होके आपके पास गया था और मैंने वादा किया था कि मंडे का क्लास भी रिकॉर्ड होके आपके पास जाएगा, तो घबराइए मत, मैं अपना वादा तोड़ नहीं रहा हूँ। मंडे का क्लास रिकॉर्ड हो गया है, अपलोड करना बाकी है, आप लोगों के पास चला जाएगा। और सबका पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही गया होगा और मिल रहा होगा। और फटाफट आ जाइए सब लोग, आज रिकॉर्ड शुरुआत करते हैं कॉमन एरर्स और एंटोनिम्स की। जो जो कोर्सेज अवेलेबल है मेरे क्लास में उनके बारे में बता दूं, फाउंडेशन इंग्लिश है, फाउंडेशन इंग्लिश 90 मिनट्स का क्लास होता है जिसमें हम लोग 45 मिनट्स ग्रामर पे ध्यान देते हैं और 30 मिनट्स रीडिंग और राइटिंग पे और 15 मिनट्स और 20 मिनट्स के आसपास इसी तरह से वोकैबुलरी पे। वोकैबुलरी काफ़ी डिटेल से हम लोग सीखते हैं फाउंडेशन इंग्लिश में, हर एक वर्ड का हर एक वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच, हिंदी मीनिंग, इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग, सिनोनिम्स, ज़रूरत पड़े तो उससे रिलेटेड फ्रेजेस, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि उन शब्दों का वाक्य में कैसे उपयोग करते हैं, उनके आगे पीछे कौन से शब्द लिखे जाते हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वोकैबुलरी सिखाया जाता है। ठीक है, एसएससी इंग्लिश सेट प्रैक्टिस चल रहा है 10 बजे, लेकिन कल से उसका टाइम 11 बजे हो जाने वाला है, तो जाहिर सी बात है आपके पास लाइव भी 11 बजे ही जाएगा। और उसमें भी दो तरह के सेट चल रहे हैं, CHSL के लिए जो आने वाला एग्ज़ाम है अप्रैल में, और स्टेनोग्राफर के लिए भी 100 क्वेश्चंस का सेट लगाया जा रहा है। ठीक है, तो द हिंदू एडिटोरियल थोड़ा ही रेगुलर है क्लास में ही, इसी वजह से लाइव नहीं कर रहे कि क्लास में रेगुलरिटी मेंटेन हो जाए, फिर लाइव भी करना शुरू कर देंगे। द हिंदू एडिटोरियल का टाइम पहले 11 बजे था, वो भी बदल के टाइम 12:30 में होने वाला है। 12:30 IBPS SBI बैंक क्लर्क का अभी स्टार्ट नहीं किए हैं और PO का बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, टाइम स्लॉट में मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। CBSE ICSE का बैच चल रहा है, 10th का बैच इंग्लिश का शाम में चल रहा है 3:30 से 4:30, और हाई स्कूल के लिए है जिसमें 10th का ग्रामर तो सबके लिए कवर होगा और बुक हम लोग कवर करेंगे 10th के लिए, और 12th के लिए चल रहा है 5 से 6 शाम में। ये सारे क्लासेस जैसे कि मैंने आपको बताया, इन क्लास भी है सारे कोर्सेज और ऑनलाइन भी है। ऑनलाइन यूट्यूब पे सभी बच्चों के लिए फ्री में अवेलेबल करवाया गया है अभी और चलता रहेगा फ्री में। ठीक है, जो जो इनमें से क्लासेस अभी ऑनलाइन अवेलेबल आपको नहीं हो रहे हैं, बहुत जल्दी वो भी ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगे सारे के सारे कोर्सेज। ठीक है, और फटाफट शेयर कीजिए, जरा हम देख लेते हैं आवाज़ वगैरह की क्वालिटी अपने मोबाइल में, उसके बाद हम आ जाते हैं आपके पास फिर से। साथ ही साथ हम अपना मोबाइल भी ले लेते हैं ताकि आवाज़ वगैरह की क्वालिटी भी हम अच्छे से देख ले। ठीक है, यूट्यूब खोल रहे हम, इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि आप लोग भी फटाफट आएंगे और शुरुआत हो जाएगी सेशन की। चलिए, आवाज तो ठीक ठाक है जी, तो शुरुआत कर देते हैं। जरा सा
जैसा कि आप जान रहे हैं कि सारी चीजें खुद से ही की जा रही हैं अभी, यही वजह है कि 2-4-5 मिनट क्लास लेट हो जाता है स्टार्ट करने में। हालांकि आज तो हमने कोशिश करा कि लेट ना हो, 2:01 में लाइव स्टार्ट हो गया था। गुड आफ्टरनून साकेत, आई होप कि जो लोग आ रहे होंगे फटाफट वो लोग शेयर भी थोड़ा कर देंगे अपने ग्रुप्स वगैरह में। आवाज़ अभी भी थोड़ी भारी है, टॉन्सिल ठीक हुआ है लेकिन पूरी तरह से अभी क्योर्ड नहीं है, लेकिन इतना है कि आराम से क्लास ले लें, इसीलिए क्लासेस कंटिन्यू कर दिए गए। चलिए कॉमन ईयर से शुरू कर रहे हैं हम लोग। कॉमन ईयर में 71 से शुरू करेंगे, 70 तक पिछले क्लासेस में हो चुका है। आप फॉलो करें अच्छे से चैनल को। जरा सा रिज्यूम तो कर लेना चाहिए। चलिए रिज्यूम कर गया, बीच में इंटरनेट थोड़ा स्लो हो गया था। 71st, इवन टुडे इट इज इनक्रेडुलस टू थिंक दैट मेन हैव वॉक्ड ऑन द मून। इस कॉमन एरर को बनाने से पहले आपको दो वर्ड्स के बारे में अच्छे से जान लेना बहुत जरूरी है। एक है इनक्रेडुलस, ठीक है, और एक है इनक्रेडिबल, ठीक है। याद रखिए आई बी एल अंत में लगा है तो भी ये एडजेक्टिव है, और ओ यू एस अंत में लगा है तो भी वो वर्ड एडजेक्टिव ही होगा। दोनों एडजेक्टिव है और दोनों दिखने में एक जैसे हैं, फिर भी दोनों में फर्क है। इनक्रेडुलस, वन हु डज नॉट बिलीव एनीथिंग इजिली, जो आसानी से किसी चीज पर विश्वास नहीं करता है, ठीक है। इसमें है इनक्रेडिबल वैसी चीज, समथिंग विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिसको आसानी से विश्वास किया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो अब बताइए इट इज इनक्रेडिबल होगा कि इट इज इनक्रेडुलस होगा, जवाब दें फटाफट। इट इज इनक्रेडिबल होगा टू थिंक दैट मेन हैव वॉक्ड ऑन द मून। यहां पर इनक्रेडुलस के जगह इनक्रेडिबल होगा, एरर है सेकेंड पार्ट में, ठीक है। आई होप की चीजें क्लियर है। चलिए फटाफट, गुड आफ्टरनून अमन, चलिए आप लोग आते जा रहे हैं, अच्छी बात है। 72nd, कोई हंगामा नहीं, कोई ड्रामा नहीं, एकदम आएंगे प्लेनली क्लास में। जैसे पढ़ाई स्टार्ट होती है आके पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, पढ़ाई फिनिश करेंगे, घर जाएंगे, वो वाले मूड में चलेंगे जैसे क्लास में पढ़ाई सिंसियरली होती है। आप लोग बने रहिए साथ में और शेयर करते रहिए। द फायरमैन वोर इनफ्लेमेबल क्लोथिंग, ये तो 71 का था, 71st का था। 72nd के लिए भी हम दो वर्ड बताना चाहेंगे, इनफैक्ट तीन वर्ड बताना चाहेंगे। एक बताना चाहेंगे फ्लेमेबल, दूसरा वर्ड है इनफ्लेमेबल, ठीक है, और तीसरा वर्ड हम बोलना चाहेंगे नॉन इनफ्लेमेबल, नॉन इनफ्लेमेबल, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें मेरे प्यारे बच्चों कि फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल ये दोनों एक ही है। ये दोनों का मतलब होता है ज्वलनशील, ज्वलनशील का मतलब जो आसानी से आग पकड़ ले, ठीक है, दैट कैचेस फायर इजीली, उसको फ्लेमेबल या इनफ्लेमेबल कहते हैं। हमने ये इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि ज़्यादातर वर्ड्स के शुरू में इन लगा देने से वो जो है अपोजिट हो जाते हैं, लेकिन फ्लेमेबल और नॉन इनफ्लेमेबल में ऐसी बात नहीं है। फ्लेमेबल का भी मतलब होता है ज्वलनशील, ज्वलनशील, ज्वलनशील को यदि इंग्लिश में डिफाइन करें तो बोलेंगे दैट विच कैचेस फायर इजीली, और इनफ्लेमेबल का भी वही मतलब होता है। लेकिन अगर हम इसका अपोजिट लिखना चाहें, जो आसानी से आग नहीं पकड़ता है, तो उसको लिखेंगे नॉन इनफ्लेमेबल, दैट विच डज नॉट कैच फायर इजीली,
दैट विच डज नॉट कैच फायर इजिली। बहुत अच्छे बहुत अच्छे साकेत कुमार, आपका जवाब बिल्कुल सही है। तो नॉन इनफ्लेमेबल होना चाहिए, हाँ, फ्लेमेबल की जगह। पूछिए क्यों ऐसा होगा, नॉन इनफ्लेमेबल क्यों होगा? तो नॉन इनफ्लेमेबल इसलिए होगा क्योंकि अगर आप यहाँ इनफ्लेमेबल क्लोथिंग पहनाते हैं फायरमैन को, तो फायरमैन जल जाएगा। फायरमैन कहते हैं उस आदमी को जो आग बुझाने के लिए अग्निशमन दस्ते के साथ चलता है। फायर फाइटर, फायर फाइटर्स भी कहा जाता है इनको। इसलिए यहाँ पर ये गलत है। इसके जगह क्या होगा, नन इन फ्लेमेबल। आई होप कि ये बात सही लग रही होगी आपको। और आंसर इसका क्या हो गया, सेकंड, जो साकेत ने जवाब दिया है ना। जी बिल्कुल, साकेत का जवाब 100% करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 73rd क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन मिल रहा है शुरुआत से ही, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। 73rd की अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम 73rd की बात करें, तो हम लोगों को दो वर्ड सीखना पड़ेगा। एक वर्ड है बिसाइड और एक वर्ड है बिसाइड्स। ठीक है, ये दोनों वर्ड्स को आप सीख लेंगे तो आपसे आसानी से बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, बिसाइड का मतलब होता है के बगल में। क्या मतलब होता है इसका, के बगल में। ये एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो पोजिशन बताता है। जैसे ही इज सिटिंग बिसाइड मी, वह मेरे बगल में बैठा हुआ है। यू आर स्टैंडिंग बिसाइड मी, तुम मेरे बगल में खड़े हो। देयर इज ए गार्डन बिसाइड माई हाउस, मेरे घर के बगल में एक बगीचा है। देयर इज ए टेम्पल बिसाइड हर हाउस, उसके घर के बगल में एक मंदिर है। तो इस तरह से आप बिसाइड का उपयोग पोजीशन बताने के लिए करते हैं, जबकि बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावे मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, के अलावे, हाँ जी, ठीक है, के अलावे बोलते समय ध्यान दीजिएगा कि के अलावे इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग दोनों सिचुएशन के लिए बोला जाता है। इंक्लूडिंग के लिए आपको बिसाइड का उपयोग करना है, बिसाइड्स का उपयोग करना है। जैसे एक उदाहरण बोल के हम आपको समझा देते हैं, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अगर हम बोलते हैं कि वे लोग हिंदी के अलावे अंग्रेजी भी बोल सकते हैं, हिंदी के अलावे अंग्रेजी भी, मतलब हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी को भी शामिल कर लो, वो भाषा भी वो बोलते हैं, तो इंक्लूडिंग का सेंस आया कि नहीं आया? वहां आप बिसाइड्स का यूज करेंगे। दे स्पीक हिंदी इंग्लिश बिसाइड्स हिंदी। ठीक है, 73rd का ए बोल रहे हैं साकेत जी, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आप ऐसे ही बोलते रहिए। यहाँ पर बिसाइड्स का उपयोग बिल्कुल गलत है, बिसाइड के जगह बिसाइड्स होना चाहिए। बिसाइड का उपयोग गलत है, बिसाइड के जगह बिसाइड्स होना चाहिए। एरर है पार्ट वन में। तो आपको समझ में आ गया होगा, बिसाइड्स द पिलग्रिम्स कैरिड सम मेडिसिन, बिसाइड्स फूड द पिलग्रिम्स कैरिड सम मेडिसिन। पिलग्रिम्स कहा जाता है तीर्थयात्रियों को। भोजन के अलावे, मतलब भोजन तो ले ही गए, उसके अलावे तीर्थयात्री कुछ दवाइयां भी कैरी किए, अपने साथ लेकर गए। तो एरर है पार्ट वन में। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, तीनों का मैंने एक्सप्लेनेशन भी यहाँ लिखा है। जी बहुत अच्छा जवाब है साकेत कुमार जी, बहुत अच्छा, शाबाश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 74 में आते हैं हम लोग। ठीक है, 74, ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए 74 में हम लोग देखते हैं कहाँ एरर है। एडल्ट सफरिंग चिकन पॉक्स कैन डेवलप ऑल काइंड्स ऑफ एप्लीकेशंस कॉम्प्लिकेशंस, ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। डेवलप कॉम्प्लिकेशंस का मतलब स्वास्थ्य में जटिलताएं आना। ठीक है, बहुत अच्छे, शाबाश। तो एडल्ट सफरिंग चिकन पॉक्स की सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स, बताइए यहाँ पर जो है ये फ्रॉम मिसिंग है ना, सफर फ्रॉम एनी डिजीज होता है। एरर है पार्ट वन में। 74 के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, कि ये जान लीजिए कि सफर एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद सीधे भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं और सफर फ्रॉम भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से यूज किया जाता है। बोलिए क्या फर्क होगा, बहुत फर्क हो जाएगा। ठीक है, सफर फ्रॉम समथिंग मतलब ये समथिंग कोई बीमारी है, कोई समस्या है जिससे आप पीड़ित हो रहे हैं। ठीक है, पीड़ित होना, उसका विक्टिम होना। ठीक है, आप समझिए इसको, सफर का ये अर्थ होता है। लेकिन सफर समथिंग, ये समथिंग कोई भी बैड चीज है, बैड थिंग, कोई भी बैड थिंग, निगेटिव थिंग है, इसको जीवन में आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं,
इसको जीवन में आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, सफर समथिंग कर रहे हैं। आई होप कि चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो कोई बुरे चीजों का अनुभव प्राप्त करना जीवन में, ये सफर समथिंग होता है, कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। लेकिन कोई डिजीज है, कोई बीमारी है और आप उससे पीड़ित हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं, तो आप सफर फ्रॉम का यूज करेंगे, सिर्फ सफर का यूज नहीं करेंगे। इन चीजों को, बारीकियों को पकड़िएगा। सर, एप्लीकेशन में भी यूज करते हैं सफरिंग फ्रॉम फीवर। जी सर, जहां कहीं भी कोई भी बीमारी से सब पीड़ित होने का बोध होगा, एप्लीकेशन हो या फिर ऐसे ही बताना हो किसी को, तो सफर के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन होगा। बिल्कुल सही बोल रहे साकेत जी। आई होप कि चीजें क्लियर हो गई होंगी। एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हम देते जा रहे हैं आप लोगों को। आइए 74 में चलते हैं। द वेल नोन पियानिस्ट, पियानिस्ट जानते हैं किसको कहते हैं, जो पियानो बजाते हैं। पियानो एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। गूगल सर्च कीजिए, आशिकी 2 में और पुरानी आशिकी में आपको दिखा होगा, हीरो जो है एक बड़ा टेबल जैसा वाद्य यंत्र लेके बैठा होता है, उसमें ऐसे छज्जा लगा रहता है, बैठ के बजाता है, पियानो कहते हैं, और बजाने वालों को पियानिस्ट कहते हैं। द वेल नोन पियानिस्ट हैड टू प्रैक्टिस फॉर सेवरल आवर्स अ डे इवन आफ्टर ही रोज टू फेम। ठीक है, 75 आप बनाएं, उससे पहले हम आपको कुछ बताएं। ठीक है, तो हम बताएंगे क्या, हम बताएंगे दो वर्ड, प्रैक्टिस बताएंगे, प्रैक्टिस बताएंगे और प्रैक्टिस बताएंगे। बोलिए सर, दोनों तो एक ही बात आप बोल रहे हैं। नहीं सर, आप गौर से बोर्ड पे देखिए, देखिए आपको क्या फर्क दिखेगा। देखिए, ये नाउन है और ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है अभ्यास। ठीक है, और इसका मतलब होता है अभ्यास करना, अभ्यास करना। ठीक है, सभी में, सभी शब्दों में ऐसा नहीं होता है, जहां जहां होता है हम बताते चलेंगे। तो आप ये दोनों के फर्क को समझिए और देखिए कि जो यहां पर प्रैक्टिस सीई के साथ दिया गया है, क्या वहां सीई वाला नाउन वाले की जरूरत है या एसई यानी वर्ब का जरूरत है, इसको आपको समझना होगा। तो द वेल नोन पियानिस्ट हैड टू प्रैक्टिस फॉर सेवरल आवर्स अ डे। हैड टू प्रैक्टिस मतलब क्या, ये गलत है, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता था। हैड के बाद टू प्लस V1 यूज करते हैं, वर्ब यूज करते हैं, इसलिए एसी वाला होगा। एरर है पार्ट 2 में। आई होप कि 75 भी क्लियर हो गया। ठीक है, बहुत अच्छे जी, बिल्कुल वर्ब की जरूरत है, बिल्कुल वर्ब की जरूरत है, बहुत अच्छे। अब हम लोग आएंगे 76 क्या कहता है, देखते हैं 76 क्या कहता है। द प्राइम मिनिस्टर वॉज आस्क्ड टू राइट ए फोरवर्ड टू द बुक। देखिए बच्चों, इसको जानने के लिए दो वर्ड को जानना पड़ेगा। ठीक है, दो वर्ड को जानना पड़ेगा। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो भी अच्छी बात है। आप गेस करके बताइए, उसके बाद हम बताएंगे। ठीक है, दोनों फॉरवर्ड में क्या फर्क है, ये फॉरवर्ड है। ठीक है, बता दे, ये और ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। फॉरवर्ड बैकवर्ड जो हम लोग बोलते हैं, अगला ये फॉरवर्ड है, फोरवर्ड है प्रस्तावना, किताब के शुरुआत में किताब के बारे में और लेखक के बारे में कुछ शब्द लिखे जाते हैं, इनको फॉरवर्ड कहते हैं। और यहां पर फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड मतलब होता है अगला, फॉरवर्ड कास्ट, फॉरवर्ड कम्युनिटी। ठीक है, तो यहां पर एरर है इस पार्ट में, यहां पर 2 में फॉरवर्ड होना चाहिए। ठीक है, 77 बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत प्यारा चीज है, अगर आप सीख गए तो बहुत अच्छी बात, और नहीं सीखे हैं तो भी अच्छी बात है। जरा सा हम इसको समेट के किनारे कर दें ताकि 76 वाला मामला हम आपको समझा सके। हाँ कि ना, बोलिएगा, नहीं समझाएगा, अच्छा बाद में समेटेंगे। देखिए, आप इसको बनाएं, इसके लिए आपके पास इस बात की जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि कॉम्प्लीमेंट दो तरीके से यूज किया जाता है। 77 में भी आपको दो शब्द सीखने पड़ेंगे, COMPLEMENT। ठीक है, और COMPLIMENT, कॉम्प्लीमेंट, क्या फर्क है इसमें और इसमें। ठीक है, ये अगर नाउन के रूप में आप लेते हैं,
इसका अर्थ होता है पूरक, ठीक है। ये एडजेक्टिव के रूप में भी यूज हो जाता है, ये नाउन के रूप में होता है प्रशंसा, तारीफ। अब आप देखिए वहां अर्थ क्या मांगता है, नाउन का कि वर्ब का, प्रशंसा या तारीफ का। तो जब हम किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं उसके गुड मैनर्स के लिए, तो उसकी प्रशंसा करते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एरर है पार्ट वन में। आई होप कि चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू, वर्ब भी है भाई ये, तारीफ करना, ठीक है। नाउन के रूप में जनरली प्लुरल यूज होता है कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को। 78, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, एकदम प्यार लुटाएगा अपना आप पर। आप भले से इसको प्यार ना दें, इसको इग्नोर करें, लेकिन ये तो द स्वीट्स वेयर शेयर्ड बिटवीन द फोर गर्ल्स, इतना आसान क्वेश्चन, पूरे सेशन का सबसे आसान क्वेश्चन, पूरे सेशन का सबसे आसान क्वेश्चन आप संभाल सकते हैं, बहुत इजी वे में संभाल लीजिएगा। देखिए यहाँ पर कितनी लड़कियों की बात हो रही है, फोर गर्ल्स मतलब मोर देन टू। अब जब आप मोर देन टू की बात करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन बताने के लिए बिटवीन का नहीं बल्कि अमंग का यूज किया जाता है, ठीक है। मोर देन टू या इनडिफिनिट नंबर पता नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूशन बताने के लिए। चलिए 79, द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन विच मेट विद एन एक्सीडेंट वॉज कैरिंग सम आर्मी पर्सनल, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है 79, संभालते हैं इसको हम लोग। दो वर्ड हम यहाँ लिखेंगे, एक लिखेंगे PERSONAL पर्सनल, और एक लिखेंगे PERSONNEL। हम क्या लिखेंगे, हाँ बहुत अच्छे, समझ गए आप लोग, NNEL पर्सनल। देखिए भाई साहब ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है, और ये भाई साहब ये एक नाउन है, ठीक है। इसका मतलब होता है व्यक्तिगत, क्या मतलब होता है इसका, व्यक्तिगत, और आहा व्यक्तिगत, ठीक है। काहे गलत की करते हो सर जी, कलमवा संभाल के चलाओ, स्लिप ऑफ पेन मत करो, व्यक्तिगत है। और इसका मतलब होता है अधिकारी, इसका क्या मतलब होता है, अधिकारी, ठीक है। अब इसमें हम अगर एस जोड़ दें तो ये प्लूरल बन जाएगा, यदि सिंगुलर रखना चाहे तो एस ना जोड़े, ठीक है। ठीक है, अमनराज बोल रहे हैं 3, 78 का थर्ड, ठीक है जी, सही था, 79 का भी जवाब आना चाहिए। तो अब देखिए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन विच मेट विद एन एक्सीडेंट, जिसका एक्सीडेंट हो गया, वॉज कैरिंग सम आर्मी पर्सनल, कुछ आर्मी अधिकारियों को लेकर जा रहा था। तो आर्मी अधिकारियों की जब बात करते हैं तो ये वाला गलत है, इसके जगह होगा PER, ठीक है, SONNEL, SONNEL पर्सनल्स, यहाँ पर इसका ज़रूरत है, ठीक है, पर्सनल्स का एरर है पार्ट 3 में, ठीक है, क्लियर है। PDF मिलने पे आप लोग बना तो जरूर लेते होंगे एक बार ना। 80, द यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड द एसेंट ऑफ द माउंटेन हार्ड गोइंग, बहुत अच्छा, 80 को सीखना होगा, बहुत आसान है, ASENT, ASCENT, ठीक है। इस एसेंट का मतलब होता है सहमति, ठीक है, और इस एसेंट का मतलब होता है चढ़ान। अब आप बता दीजिए कौन सा होगा, जवाब आपके हाथ में निश्चित है, आप बताएंगे, आपके हाथ में सुरक्षित है जवाब, आप बता सकते हैं, ठीक है। फटाफट बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, आप जो बोलेंगे उसको सही मान लिया जाएगा। ए टी का, एटी का कोई जवाब आया, हाँ जी, ASCENT होना चाहिए, ये वाला गलत है ना, एरर है पार्ट 2 में, ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या मस्त काम कर रहे हैं आप लोग एकदम। चलिए 81 में आ गए हम लोग, पढ़िए जवाब दीजिए।
ठीक है, 81। इफ द वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट आई विल हैव टू बिड गुड बाय टू माई स्टडीज एंड ज्वाइन माई फैमिली बिजनेस। 80 का दो बिल्कुल सही है, 81 का भी दो बताओ भाई। ठीक है, एक मेरे दोस्त है आ रहे हैं जा रहे हैं। ठीक है, बने रहिए, फटाफट बताते रहिए। सुपरलेटिव डिग्री है भाई, यहां भी लगाओ ना। सो इजी था। द इंटरिम रिपोर्ट डज नॉट एनालाइज थॉरली द प्रिंसिपल काउजेज ऑफ द डिजास्टर। द इंटरिम रिपोर्ट जी 81 का 3, 81 का 2, दो होगा ना। आई विल हैव टू बिड गुड बाय टू माय जी, बिल्कुल सही। चलिए 82 का बताइए। इंटरिम रिपोर्ट डज नॉट एनालाइज थॉरली द प्रिंसिपल काउजेज ऑफ, चलिए हम आपके हेल्प कर देते हैं T2 में दो वर्ड बता करके। ठीक है, PRINCIPLE प्रिंसिपल एक दे दिया हमने, और दूसरा हमने दे दिया PRINCIPAL प्रिंसिपल। ठीक है, अब बताइए बताइए फटाफट बताइए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, फटाफट बताइए, दो हमने दे दिया। उसी तरह 83 में भी हम दे देते हैं द आइटम्स आई लाइक मोस्ट वेयर द रिजवुड क्रैविंग्स एंड, नहीं दे सकते। 84 में पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग दे ऑफर्ड वॉज रियल फूड, नहीं दे सकते, दे देंगे तो आंसर ही हो जाएगा, इसलिए पहले 82 का बताइए फटाफट, तब हम जाने कि क्या आपके पास नॉलेज है। जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है, कितना पे चल रहा है, कितना पे, 720 पे अच्छा चलता है ना। जो पुराना टाइप का मोबाइल हम रखे हुए हैं ये तो 480 से ज़्यादा दिखाता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन आप अपने मोबाइल पे 720 पे चलाइए, तो मस्त चलेगा, अच्छा क्वालिटी आएगा। ठीक है, आपको कोई विजिबिलिटी का कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है इसमें। ठीक है, एकदम फॉर श्योर हम बता रहे हैं। चलिए चलिए चलिए, कोई बात नहीं, देख लिए हम, क्वालिटी भी देख लिए। ठीक है, चलिए क्वालिटी भी देख लिए, ठीक ठाक है। जवाब आया 83 का 2 जी। देखिए पहले 83 के पहले 82 था, हमने आपको बताया, दो वर्ड का हिंट दिया, आप शायद कर पाते। देखिए इस प्रिंसिपल का एक तो होता है प्राचार्य, आप जानते ही हैं, और एक होता है प्रधान या मुख्य एडजेक्टिव के रूप में, और इसका मतलब होता है सिद्धांत या नियम, है ना। द इंटरिम रिपोर्ट, इंटरिम कहा जाता है सेमीफाइनल को, उसके बाद फाइनल आने वाला है, अंतरिम हिंदी में कहते हैं। इंटरिम रिपोर्ट डज नॉट एनालाइज, एनालाइज नहीं करता है थॉरली पूरी तरह से मुख्य कारणों को, तो मुख्य कारण कौन होगा, प्रिंसिपल काउजेज होगा, यहाँ पर AL वाला होगा। ठीक है, 83 का जवाब पहले दे दिए आप लोग, है ना, कोई बात नहीं। चलिए द आइटम्स, 82 का जवाब दिए हैं कुछ लोग, दो दिए हैं, कौन कौन लोग दिए हैं, अमन राज दिए हैं, साकेत कुमार दिए हैं। ठीक है जी, बिल्कुल सही है, अमन राज ने बताया भी है कहाँ एरर। द आइटम्स आई लाइक मोस्ट वेयर द रोजवुड कार्विंग्स एंड द टीक वुड फर्नीचर्स। याद रखिएगा कि फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसको प्लूरल कभी नहीं किया जा सकता है। 83 के 3 में एरर है। ठीक है,
84th, ए पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग दे ऑफर्ड वाज रियल गुड। याद रखिए गुड क्या है, एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले उसको मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए, दूसरा एडजेक्टिव नहीं चाहिए, इसीलिए यहाँ पर थर्ड मिरर है। चलिए बहुत आसान था। 85, बहुत अच्छी बात है। चलिए 85th, द सॉइल वॉज मॉइस्ट एज देयर वॉज लिटिल रेन द डे बिफोर। बहुत एरर, माइनर सा एरर है, लेकिन आपको गौर से समझना पड़ेगा, ठीक है, गौर से समझना पड़ेगा तभी होगा, ऐसे नहीं हो पाएगा, समझिए अच्छे से, ठीक है। द सॉइल वॉज मॉइस्ट, सॉइल जो है, मिट्टी जो है नम था, क्योंकि देयर वॉज लिटिल रेन, न के बराबर वर्षा हुई थी या ए लिटिल रेन, थोड़ी वर्षा हुई थी। तो मिट्टी नम कब होगी, न के बराबर वर्षा में या थोड़ी वर्षा में, तो थोड़ी वर्षा ए लिटिल होना चाहिए लिटिल की जगह, ठीक है, 85th का सेकेंड में है, ठीक है, बहुत अच्छा। 86th, द मैनेजर वॉन्टेड टू नो हु हैड अराइव्ड अर्ली दैट डे, द कैशियर और द अकाउंटेंट। मैनेजर जानना चाहते थे कि उस दिन पहले कौन आए थे, कैशियर आए थे कि अकाउंटेंट आए थे, ठीक है। तो भाई साहब, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब आप कैशियर और अकाउंटेंट के आने के टाइम में कंपैरिजन कर रहे हैं, दो लोगों में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहाँ पर अर्ली नहीं, अर्लियर होना चाहिए, कॉम्पेरेटिव डिग्री होना चाहिए, ठीक है। एरर किस पार्ट में है, सेकेंड पार्ट में, ठीक है। बहुत अच्छा, सही है जवाब अमन राज, ठीक है। चलिए 87th में हम लोग देखते हैं क्या है। दे आर ए पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट फैमिली, वन ऑफ हिज सिस्टर्स इज ए मिनिस्टर एंड द अदर इज मैरिड विद ए मिनिस्टर। बहुत सिंपल प्रीपोजिशन का एरर है। देखिए मैरिड विद नहीं होता है, मैरिड टू होता है, मैरिड टू समबडी, ठीक है। इज मैरिड, देखिए मैरिड जब है पैसिव वॉइस में, यहां पर इज लग रहा है ना, इज मैरिड तो पैसिव वॉइस हो गया ना, इसको देख लीजिए, जरा सा इसको देख लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए मैरी समबडी, कोई प्रीपोजिशन नहीं है बीच में, कोई प्रीपोजिशन नहीं है, आप देख रहे हैं ना, कोई प्रीपोजिशन नहीं। लेकिन अगर आप बी का कोई रूप लगाते हैं या गेट का कोई रूप लगाते हैं और उसके बाद लिखते हैं मैरिड, तो आप याद रखिए कि यहां पर मैरिड जो है ये पैसिव फॉर्मेट है मैरिड का, कैसा फॉर्मेट है, पैसिव है, और यहां पर तब टू और फिर समबडी लगेगा। जैसे एग्जाम्पल हम लिख के दिखा देते हैं आपको, बहुत आसानी होगी एग्जाम्पल, आप एक बार समझ लीजिएगा। तो राम मैरिड सीता, राम ने सीता से शादी कर लिया, राम ने कर लिया, ये जो है एक एक्टिव वॉइस का वाक्य है, आप यहाँ पर एक्टिव वॉइस में इस वाक्य को लिख रहे हैं। लेकिन यही एग्जाम्पल जब आप ऐसे लिखते हैं कि राम वॉज मैरिड, राम वॉज मैरिड मतलब राम ने शादी किया नहीं, राम की शादी कर दी गई, ठीक है। तो हम जब बोलते हैं राम की शादी कर दी गई सीता से, तो यहाँ पर टू प्रीपोजिशन लगेगा और ये वाक्य पैसिव वॉइस है। बोलिए कैसे, तो यहाँ पर देखिए, राम ने सीता से शादी कर लिया, एक्टिव वॉइस, कोई प्रीपोजिशन नहीं, राम की शादी हो गई सीता से, तब टू प्रीपोजिशन, हो गई मतलब उसकी कर दी गई शादी, ठीक है। तो इसको संभालना होगा, 87 में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, VVI था, लोग बहुत बार इसमें कॉमन एरर में गलती करते हैं और उतना ही बार पूछा भी जाता है बार बार, ठीक है। चलिए 88th, सपोजिंग दैट द इंफॉर्मेशन प्रूव्स टू बी टोटली रिलायबल, शुड वी स्टिल हैव टू रिकास्ट द प्लान्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। मैरी विथ कब होगा, कभी नहीं होगा, क्यों होगा, ठीक है। देखिए यहां पर आइए, यहां पर शुड का उपयोग गलत है, उसके जगह डू होगा, क्यों, क्योंकि जब हम यहां भीवन का यूज कर रहे हैं तो डू वी स्टिल हैव टू रिकास्ट द प्लान्स, क्या हम लोगों को अपनी योजनाओं को फिर से ढालना पड़ेगा, ढालना जरूरी है। तो अगर आप ये बात पूछते हैं कि मुझे जाना जाना जरूरी है, तो आई हैव टू गो,
क्या जाना जरूरी है, डू आई हैव टू गो, शुड का उपयोग तो नहीं करते हैं। तो सपोजिंग मान लेते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो है टोटली रिलायबल है, तो फिर भी क्या हम लोगों को फिर से अपना प्लान को ढालना जरूरी है, फिर से ढालना जरूरी है, तो शुड के जगह डू लगेगा। ठीक है आगे बढ़े। 89th, though its gloss can fool few unwary customers, gloss मतलब होता है चमक, इसकी चमक कुछ लापरवाह, अनवेरी मतलब केयरलेस, पूरा अटेंटिव जो नहीं रहते उनको अनवेरी कहते हैं, अनवेरी कस्टमर्स को मूर्ख बना सकता है, इट वुडंट बी डिफिकल्ट फॉर द क्लेवर वंस, लेकिन चालाक कस्टमर्स के लिए मुश्किल नहीं होगा टू जज इट्स रियल वर्थ, कि इसका वास्तविक मूल्य पहचान ले। ठीक है, तो कुछ को बना सकता है, तो यहां पर फ्यू नहीं अ फ्यू होगा। ठीक है, हालांकि इसकी चमक कुछ लापरवाह कस्टमर्स को मूर्ख बना सकती है, कुछ। तो फ्यू और अ फ्यू में क्या फर्क है, तो याद रखिएगा फ्यू का मतलब होता है न के बराबर और अ फ्यू का मतलब होता है कुछ, इसके ऑलमोस्ट बराबर में आप सम को लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको अर्थ समझना होता, अगर न के बराबर का अर्थ आ रहा है तो फ्यू सही हो जाएगा, लेकिन यहां तो अर्थ आ रहा था कुछ का, इसलिए अ फ्यू लगाना पड़ा इसमें। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। 89 का सेकंड बिल्कुल सही जवाब। 90th, शी प्रिटेंड्स एज इफ शी हैज नेवर इन हर लाइफ टोल्ड अ लाई, इजंट इट, कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है, दम मक्खन है, मक्खन पूरा नंबर दे रहा है, कह रहा है ले जाओ, कोई नहीं रोकने वाला है तुमको। देखो भाई, ठीक है, हाँ देखिए, इस क्लाउज में क्वेश्चन टैग जोड़ा हुआ है। ठीक है, सी प्रिटेंड्स, वह ऐसे दिखावा करती है, मानो उसने कभी जीवन में झूठ बोला ही नहीं है, है ना, तो झूठ बोला ही नहीं है, इस क्लाउज के लिए क्वेश्चन टैग है, तो इस क्लाउज के सब्जेक्ट और वर्ब को देखेंगे, और चूंकि निगेटिव बन रहा है नेवर से, तो यहां पर हैज शी का यूज होना चाहिए, एरर है थर्ड पार्ट, एरर किस पार्ट में है, थर्ड पार्ट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 91, ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इसमें संभल के बनाइए 91 को, हम इंतजार करेंगे आपके आंसर का, तब आगे बढ़ेंगे हम एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक है, हम ऐसे नहीं बताएंगे जब तक आप आंसर नहीं देंगे। ठीक है, आप आंसर दीजिए पहले, फटाफट आपके आंसर आना चाहिए, जी आपके जवाब पर निर्भर करता है। ठीक है, देखिए, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट टू लैंग्वेजेस, कम से कम दो भाषाओं का ज्ञान, तो यहां पर नॉलेज एक नाउन है, प्रीपोजिशन है, और एटलीस्ट टू लैंग्वेजेस दूसरा नाउन है, तो पहला नाउन के पहले द लगना चाहिए था, एक इस पार्ट में एरर है, और आर रिक्वायर्ड नहीं होगा, चूंकि नॉलेज का जरूरत है तो इसलिए इज रिक्वायर्ड होगा, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज होना चाहिए, तो यहां थर्ड में भी एरर है। ठीक है, बोले ऐसे कैसे सर, हमको नहीं पता सर, बस एसएससी ऐसी दे रहा है, ऐसी दे रहा है, तो हम तो दोनों जगह बताएंगे, बोले एग्जाम में हम क्या करेंगे, बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि जो पहले एरर मिल जाए उसी को मान लेना चाहिए, ऐसा कोई कहीं रूल लिखा हुआ नहीं है, ये क्वेश्चन ही इस तरह से उठपटांग देना एसएससी का पहले गलत है। अब मेरे हिसाब से पूछा जाए तो बच्चा इसमें जो आंसर लिख दे, एसएससी को चाहिए कि उसने गलती करी है तो वो उसका पॉजिटिव मार्क्स बच्चों को दे दे। ठीक है, 92nd, द मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट शाउट अपॉन द मिनिस्टर, देखिए भाई बहुत प्यारा सा एरर है, इफ ही मेक्स ए रॉन्ग स्टेटमेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है मिनिस्टर्स पर चिल्लाते हैं अगर वह गलती करते हैं तो। ठीक है जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सेंटेंस है, लेकिन प्रीपोजिशन का एरर है, प्रीपोजिशन का एरर तभी बनेगा जब आपने प्रीपोजिशन अच्छे से पढ़ाई करी है। ठीक है,
शाउट एट समबडी, किसी पर चिल्लाना, गुस्से से किसी पर चिल्लाते हैं तो शाउट एट समबडी होता है, ना कि शाउट अपॉन होता है। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छा जा रहे हैं। 93rd, एवरी वन ऑफ द फिल्म्स, थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सियल है ये क्वेश्चन भी, एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग। बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है, एकदम जबरदस्त वाला बात है, इसको संभालना होगा। देखिए ऑफ फ्रेज का यूज हुआ है, तो यहां पर एवरी वन सेपरेटेड होना चाहिए था, तो पहला एरर तो यहां मिल गया आपको। एवरी वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है लेकिन वर्ब सिंगुलर होता है, क्योंकि वन की बात कर रहे होते हैं, तो यहां भी एरर है। तो 91st और 93rd दो क्वेश्चन हम लोगों को थोड़ा विवादित मिला, विवाद के साथ उसका नाता जुड़ा हुआ है, इसको संभाल के चलेंगे। अगर हम इसको टाइपिंग मिस्टेक मान लेते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक मान लेते हैं, तो चलिए थर्ड में एरर है फाइनली। क्या है भाई? तो एवरी वन ऑफ द फिल्म्स इज, ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। 93rd के बाद 94th, 94th में क्या है? द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्टरेट। ठीक है, संभालिए, संभाल सकते हैं तो संभालिए इसको। ये क्वेश्चन सबसे चैलेंजिंग है पूरे आज के सेशन में, जितना भी कॉमन एरर का क्वेश्चन आज के सेशन में जा रहा है 100 तक जाएगा। ठीक है, ये सबसे चैलेंजिंग है, संभाल सकते हैं आप, है दम आप में? क्या आप में दम है? चलिए हम बता देते हैं। देखिए एंड से जुड़ा है, एक पोस्ट द के साथ, दूसरा पोस्ट द के साथ, मतलब दो लोग, दो लोग तो प्लूरल वर्ब, आर है तो भी फोर है। एट द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग है ना, सॉरी द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्टरेट, नो एरर है भैया, नो एरर है, इसमें कोई गलती नहीं है 94 में। सर साकेत जी 94 में तीन बता रहे हैं, अमनराज दो बता रहे हैं, बताइए कहाँ एरर आपको दिख रहा है, बताइए। एक आदमी सेक्रेटरी और एक आदमी प्रिंसिपल है, दो आदमी हो गए। यदि सिर्फ द आगे लगा रहता तब एक आदमी होते, आर के जगह इज होता, दो में एरर माना जाता, लेकिन दोनों के साथ द लगा है मतलब दो लोग हैं। ठीक है, चलिए 95, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है, प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए 95 को, आपका जवाब आना चाहिए। टू अटेंडिंग, कैसे कैसे क्यों बोलेंगे टू अटेंडिंग? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आर के बाद सीधे बिफोर आता है, टू कहां से आ गया? अटेंड कर रहे हैं तो आर अटेंडिंग सही तो है। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, इसी के लिए तो हम लोगों को डेली प्रैक्टिस करना है 2 बजे से एकदम लग के। अब पीडीएफ जो दिया जाता है उस पीडीएफ को पहले बनाने का प्रयास भी घर पे करना है, कि जो समझ में आ रहा है घर पे बना लेते हैं और फिर सेशन अटेंड करेंगे, धनादन जवाब देंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जवाब नहीं देते हैं, जुड़े रहते हैं, उनको चाहिए कि जवाब दें। देखिए नो सूनर से स्टार्ट हो रहा है तो ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले होना चाहिए, है ठीक है। अब हेड ऑक्सिलरी वर्ब है तो V3 होना चाहिए, वो भी है, लेकिन नो सूनर के आने पर यारी निभाने के लिए वेन नहीं आएगा, दैन आएगा, तो एरर यहीं पर है, एरर है पार्ट टू में। ठीक है, कितना सिंपल था, कितना सिंपल था। ठीक है 96 देखिएगा, 96 में क्या कह रहा है भाई? द सेक्रेटेरिएट कंप्राइजेज ऑफ मेनी एयर कंडीशनर रूम्स। हम देख लिए, आप देख पाए हो तो ठीक है, हम दो वर्ड यहाँ लिख देते हैं 96 के लिए, शायद आपको समझ में आ जाए। एक वर्ड हम लिखेंगे कंप्राइज, एक वर्ड हम क्या लिखेंगे कंप्राइज, और एक वर्ड लिखेंगे कंसिस्ट। ठीक है, याद रखिएगा कंसिस्ट के साथ आप ऑफ प्रीपोजिशन चलाते हैं, कंप्राइज कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता, ट्रांजिटिव वर्ब है, जबकि अर्थ दोनों का एक ही होता है। ठीक है, तो आपका एरर कहां पर है? कंप्राइजेज ऑफ, ये एरर है दो में। 97 बताइए, इट इज हाई टाइम ही स्टूड ऑन हिज ओन टू लेग्स। ठीक है,
97 तेजी से। देखिए भाई, इट इज हाई टाइम के बाद पास्ट इंडेफिनिट आना चाहिए, यहां पर कोई एरर नहीं है। हिज ओन टू लेग्स, ठीक है, हाँ, टू के जगह ऑन हिज ओन, टू के जगह यदि बोथ लिखते हैं तो ज्यादा दोनों पैरों पर खड़ा हो गया, दो पैरों पे खड़ा हो गया। हिज ओन लेग्स लिखिए, अपने पैरों पे खड़ा हो गया। संख्या क्यों बता रहे हैं आप? वहां पे दो चार संख्या नहीं होता है, वो एक कहावत है कि अपने पैरों पे खड़ा हो गया, मतलब आत्मनिर्भर हो गया। चलिए हटाइए। 98, यू शुड अवॉइड टू ट्रेवल इन द रश आवर, यू शुड अवॉइड टू ट्रेवल इन द रश आवर। बहुत इजी है, फिल्म का क्लाइमेक्स होने वाला है इसलिए भाग रहे हैं क्या भैया? अभी एंटोनिम्स बाकी है, अभी एंटोनिम्स बाकी है भाईजान, अभी क्यों हड़बड़ा रहे हो? अभी मत भागा भागी लगाओ, ठीक है? चलिए, अवॉइड एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद अगर कोई दूसरा वर्ब आए तो वो बिफोर के रूप में होना चाहिए, तो ट्रेवल के जगह ट्रेवलिंग होगा, एरर है बिफोर सेकेंड पार्ट में। 99 जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कॉमन एरर का आज का, ठीक है? देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, ओनली वन ऑफ के बाद नॉवेल्स तो है, लेकिन यहां पर आर के जगह इज होगा, ठीक है? देखिए, वन ऑफ रहता तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब प्लुरल होता, लेकिन वन ओनली वन ऑफ है इसीलिए सिंगुलर वर्ब होगा। ही डिनाइड टू हैव बीन देयर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, अभी हम लोग बनाए हैं उसी टाइप से बढ़ाएंगे फटाफट, ठीक है? डिनाई भी एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद इन्फिनिटिव का नहीं बल्कि बिफोर का यूज करते हैं, तो हैविंग लिखेंगे तो सही होगा, एरर है टू में। सो सिंपल, सो सिंपल। चलिए आगे बढ़ाते हैं, अब आगे एंटोनिम्स की बारी। अब किसकी बारी आ गई? एंटोनिम्स की। बताइए, बताइए, एक्सोडस का मतलब होता है बड़ी संख्या में बहिर्गमन, इसको बहिर्गमन कहते हैं, बड़ी संख्या में बाहर चले जाना देश से, ग्रुप से, इन्फ्लक्स, ठीक है? बड़ी संख्या में निर्गमन, बड़ी संख्या में निर्गमन मतलब अंदर आना, ठीक है? होम कमिंग, घर वापसी, अपना धर्म छोड़ के कोई दूसरे धर्म में चला गया था, फिर से अपने धर्म में आया, इसको होम कमिंग लोग बोल रहे हैं, धार्मिक लोग। रिटर्न मने लौटना, रीस्टोरेशन, रीस्टोरेशन क्या कहेंगे? पुनर्स्थापन, पुनर्स्थापन, फिर से पहले जैसी स्थिति में ला देना, ठीक है? तो आपको आंसर तो मिल ही गया होगा एंटोनिम्स। जी बिल्कुल सही, बताइए, इन्फ्लक्स होगा। 32nd, इनक्विजिटिव, इनक्विजिटिव का मतलब होता है उत्सुक, जो बहुत सवाल पूछता है, बहुत उसके मन में है ना। इनसिंसियर, लापरवाह, जो इनसिंसियर होता है वो लापरवाह होता है। इनसेंसिटिव, असंवेदनशील, असंवेदनशील। असंवेदनशील या संवेदनहीन भी कह सकते हैं, किसी के दुख का उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। इनडिफरेंट, उदासीन, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंसल्टिंग, अपमानजनक, अपमानजनक, बड़ा टेढ़ा हो गया, इसमें से कौन क्लोज होगा ये पता चलाना मुश्किल हो रहा है, ठीक है? बताइए फिर भी कोशिश करके, फटाफट बताइए भाई, इनडिफरेंट होना चाहिए, उसके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ उसके मन में आता ही नहीं है। कैंडिड, बताइए, कैंडिड का मतलब होता है स्पष्ट, स्पष्ट, ऑनेस्ट, क्लियर एकदम, है ना, स्पष्ट अपने डीलिंग्स में, इसको कह सकते हैं ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट, ठीक है? आउटस्पोकन, आउटस्पोकन जो है स्पष्टवादी है, वो क्लियर कट बोलता है, एकदम खुल्लम खुल्ली बोल देता है, आउटस्पोकन जो आदमी होता है। फ्रैंक, फ्रैंक का मतलब होता है भी वही आउटस्पोकन, लगभग क्लियर कट बोलेगा। डिवियस, डिवियस को आप कह सकते हैं बेईमान, बेईमान बोल सकते हैं आप,
और डिसगाइज्ड मतलब क्या बोलते हैं, बहुरूपिया, रूप बदले हुए, रूप बदले हुए, जैसे रावणा केम डिसगाइज्ड एंड किडनैप्ड सीता, रावणा रूप बदले हुए आया और सीता को किडनैप कर लिया, ठीक है, डिसगाइज्ड जी। तो बताइए तीसरा आंसर होना चाहिए कैंडिडेट का। 34 में आइए, ठीक है, नादिर, इसका नीचे क्या बोलेंगे, निम्नतम बिंदु, निम्नतम बिंदु मतलब सबसे निचला हिस्सा, जेनिथ मतलब शीर्ष, टॉप, शिखर जिसको कहते हैं। आंसर तो मिल गया, मॉडर्निटी, आधुनिकता, मॉडर्निटी का मतलब क्या होता है, आधुनिकता होता है, लिबर्टी आजादी, छूट, आजादी या छूट, प्रोग्रेस प्रगति, कल्पेबल, कल्पेबल जिस पर आरोप लगाया जा सके जी। बिल्कुल सही जा रहे, बिल्कुल सही जा रहे, बिल्कुल सही जा रहे, बहुत अच्छा आप लोग जा रहे। कल्पेबल बताइए, कल्पेबल जिस पर आरोप लगाया जा सके, बहुत अच्छे, एकदम रगड़ दीजिए धर के, छोड़ना नहीं है, ठीक है, जिस पर आरोप लगाया जा सके, तो जिसका आरोप से रक्षा किया जा सके, डिफेंडेबल, ब्लेमलेस जिस पर कोई आरोप नहीं है, इररेस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदाराना, केयरलेस लापरवाह, ये सभी जी वर्ड था। बहुत ज्यादा नहीं है, 5 क्वेश्चन और है एंटोनिम्स का, संभालिए इसको। 36 फैसिलिटेट, यदि हम फैसिलिटेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, आसान बना देते हैं, फैसिलिटेट करते हैं तो क्या करते हैं, आसान बना देते हैं कोई चीज को, तो जाहिर सी बात है उसमें बाधा उत्पन्न करेंगे, है ना। फैसिलिटेट मतलब सुविधा देना, सुविधा देना मतलब वो आसानी से हो जाए, आसान कर देना, और हिंडर मतलब बाधा डालना, बाधा डालना मतलब उसको आसानी से नहीं होने देना चाहते हैं, तो उल्टा हो गया कि नहीं, मिला जुला के, रिजेक्ट अस्वीकार कर देना, प्रोपेगेट फैलाना, किसी के विचारधारा इस सबको प्रोपेगेट करते हैं, हेल्प मदद करना, क्रिटिसाइज आलोचना करना, ये वर्ड तो सब लोग जानता है क्योंकि सब लोग करते हैं एक दूसरे की, ठीक है, आलोचना करना, क्रिटिसाइज, और फिनिश करते हैं तो खत्म करते हैं, रिकमेंड करते हैं तो अनुशंसा करते हैं, कहते हैं जाओ फलाने जगह अंग्रेजी बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, पढ़ लो, फलाने जगह मतलब एसटीसी, कमेंड का मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है, प्रशंसा करना, कमेंड करते हैं तो प्रशंसा करते हैं, और रिक्वेस्ट करते हैं तो निवेदन करते हैं। आंसर तो पता चल गया, तीसरा आंसर है, बहुत इजी वे में, कठिन नहीं है, बिल्कुल सही। कॉन्फॉर्मिटी, कॉन्फॉर्मिटी मतलब होता अनुरूपता, जो नियम कह रहा है, जो सिद्धांत कह रहा है, जो कायदा कह रहा है उसके हिसाब से काम करना। डेविएशन का मतलब होता है विचलन, नियम से अलग हो जाना, जो रास्ता है उससे अलग हो जाना। डिस्ट्रैक्शन मतलब ध्यान भंग, डिस्ट्रैक्शन ध्यान भंग, ध्यान भंग। डाइल्यूशन मतलब विचलन, खास करके ये जो है हम लोग कोई लिक्विड जैसे एसिड है पानी मिला दिए तो डाइल्यूशन कर दिए, नियम को आसान कर दिए तो डाइल्यूशन कर दिए। डाइवर्सन रास्ता बदल लेना, ठीक है, तो कॉन्फॉर्मिटी का डेविएशन होना चाहिए, कॉन्फॉर्म कर रहे हैं तो उसका मतलब नियम का पालन कर रहे हैं, डेविएट कर जा रहे हैं तो नियम से अलग चलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। डाइवर्सन होता है अलग, मुख्य रास्ते से अलग रास्ता, डाइवर्सन। एफर्म, एफर्म मतलब स्वीकार करना, हाँ कहना, हाँ कहना, किसी चीज को कह देना कि हाँ भैया सही है, अफर्म कर दिया हम उसको, तो निगेट कर देंगे, नकार देंगे, निगेट कर देना, नकार देना। रिफ्यूज इनकार करना, देखिए कितना मिलता जुलता वर्ड है, और हिंदी आप लोग कहते हैं बता दीजिए, हिंदी हम बता तो दे रहे हैं लेकिन हम अंदर से खुश नहीं है, क्योंकि आप हिंदी में देखिए रिफ्यूज मने भी इनकार कर देना, निगेट करते हैं तो भी इनकार कर देते हैं, तो और नेग्लेक्ट करते हैं तो उपेक्षा करते हैं, ठीक है, उपेक्षा करते हैं। अवॉइड करते हैं तो मतलब दूर हटते हैं उससे, बचना, दूर हटना कोई चीज से। अवॉइड समबडी मतलब उससे नहीं मिलना, अवॉइड समथिंग मतलब उस समथिंग का उपयोग नहीं करना, ठीक है, अवॉइड डूइंग समथिंग मतलब उस काम को करने से बचना। रिफ्यूज टू डू कहना कि हम नहीं करेंगे,
आप रिफ्यूज यूज करते हैं तो रिफ्यूज के बाद आप 2+V1 लगाते हैं, याद रखिएगा। और आप कहते हैं कि ये वाला काम हम नहीं करेंगे, मना कर देते हैं करने से। आप निगेट करते हैं किसी बात को तो कहते हैं नहीं ये बात नहीं सही है, इसको हटाओ, गलत है ये। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वावलंबन। स्वावलंबन का मतलब है कि अपना डिसीजन खुद से लेंगे, स्वावलंबन। हम किसी से राय मशवरा नहीं करेंगे, हमारी मर्जी है, मन हुआ तो कर लेंगे, नहीं मन हुआ तो नहीं करेंगे, आदेश नहीं मानेंगे, ठीक है। स्लेवरी, गुलामी। सबऑर्डिनेशन, अधीनता। डिपेंडेंस, निर्भरता। सबमिसिवनेस, सबमिसिवनेस का मतलब होता है दबूपन। देखिए भाई, चारों के चारों इसके एंटोनिम्स होंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ बांटा हुआ नहीं है, ठीक है। अब किसको लिया जाए, तो ऑटोनॉमी है तो मतलब ये किसी के अधीन नहीं है, इसलिए इसका सबसे अधीनता वाला जो है वो इसका सबसे क्लोज एंटोनिम्स माना जाएगा, ठीक है। यही कहानी था आज का। अब बाकी सब तो है ही है, फेसबुक का है, यूट्यूब का है, टेलीग्राम का है, सब जगह जुड़ जाइए, व्हाट्सएप का है, सब जगह जुड़िए, ठीक है। और आज के लिए अलविदा कहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का। 3 बजते बजते पक्का ख़त्म हो गया आज का क्लास। चलिए, जो सोमवार वाला छूटा है ना उसका रिकॉर्डिंग चला जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है। बाकी यदि किसी दिन कोई हेल्थ इश्यूज या कोई इमरजेंसी के कारण एब्सेंट होता है लाइव क्लास, उसका रिकॉर्डिंग चला जाएगा, लेकिन ऐसा कोशिश करेंगे कि ना हो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच।